السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون इस दीनी और इल्मी प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले भाइयों और बहनों अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों आज का मौजु सुखन है तोबा की फ़दीलत अल्लाह हमें और आपको अपने उन महबूब तरीन बंदों में से बना ले जिन्हें तो पसंद फरमाता है और हमें अपने गुनाहों से सच्ची तोबा करने की अता फ़रमा मरने से पहले आलमीन तो हमारे गुनाहों को धुल दे साफ कर दे और हमेशा हमेश गुनाहों से बचने का मौका आता फरमा आमीन सामाइन कराम और ख़वान मिलत हमारा ये मिजाज और हमारी ये फितरत है कि जब हमारे बदन पर कपड़ों पर उठने बैठने की जगहों पर लेटने के बिस्तरों पर धूल लग जाता है मैल कुचैल लग जाता है गंदा हो जाता है तब हम अपने बदन के मैल को कपड़ों के मैल को या अपने घरों की गंदगी को दूर करने के लिए अच्छे से अच्छा जतन करते हैं और ताकत के मुताबिक हम अपनी इन चीज़ों को बिल्कुल साफ़ सुथरा खुशबूदार महकदार करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अल्लाह ते सलीम सलीमुलफितरत इंसान की तबीयत और मिजाज में खुशबू और सफ़ाई रख दिया हर आदमी खुशबू पसंद करता है हर औरत खुशबू और महक पसंद करती है हर फितरत अच्छे मिजाज का आदमी अच्छी फितरत का मालिक हर गंदगी से अपने लिबास को अपने बदन को अपने घरों को अपने बिस्तरों को साफ रखने की कोशिश करता है और उसके लिए मुख्तलिफ जतन और इंतजाम करता है और यह होना भी चाहिए क्योंकि सफाई पसंद इंसान को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है ठीक इसी तरह या इससे अहम अंदाज़ में हमें चाहिए कोशिश करनी चाहिए हिरस और तमन्ना और जतन करना चाहिए कि जब हमारा दिल गुनाहों से गलतियों से अल्लाह ताला की नाफरमानी से मैला हो जाए गंदा हो जाए उसमें बदनुमा दाख पड़ जाए और उससे गंधक आने लगे बदबू आने लगे तो उसे भी हमें उस दिल को खूब साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए ताकि हमारे सीनों में दिल महकदार हो खुशबूदार हो उसमें कोई दाग और धब्बा ना हो और दिल को साफ करने के लिए दूसरे लफ्ज़ में अपने नाम को अपने अमलों को साफ करने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ अल्लाह को महबूब और पसंदीदा है वो चीज़ है तौबा वो चीज़ है तौबा अल्लाह अपने व करम से तौबा को पसंद फरमाता है तौबा एक इबादत है एक बंदगी है तोबा एक नेकी है जिसके ज़रिया एक बंदा अल्लाह ताला की इबादत और परस्तिश करता है तोबा गुनाहों से सफाई का ज़रिया है तोबा अल्लाह ताला से करीब कर देने वाली इबादत है तोबा के ज़रिया इंसान अपनी बदकिरदारी, किरदारी बदअमली की सफाई करता है और इसीलिए अल्लाह ताला इसको पसंद फरमाता है बल्कि अल्लाह ताला ने क़ुरान करीम के अंदर आप खोल करके देखें सूरह नूर आयत नंबर 31, सूरह नूर आयत नंबर 31 अल्लाह ने बाजाबता तौर पर वजूबी तौर पर अपने बंदों को तोबा करने का हुक्म दिया है क्योंकि तोबा ये इबादत है इसके ज़रिए बंदा अल्लाह का तकर्रब हासिल करता है तोबा बंदे को अल्लाह के यहाँ महबूब बना देती है इसीलिए अल्लाह ताला ने तौबा करने का हुक्म अता फरमाया है और बिला शुबह अल्लाह का वो बंदा या अल्लाह की वो बंदी जिसे अल्लाह ताला की जानिब से सच्ची तौबा करने की तौफीक मिल जाए वो कामयाब हो गया वो साफ सुथरा हो गया वो अल्लाह की तरफ पलट आया वो अल्लाह का महबूब तरीन मकरब तरीन नज़दीक से नज़दीक बंदा हो गया अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हो गया अल्लाह ताला ने शुर नूर के अंदर बयान फरमाया वो बोल जमीअन अयूहल मुनून ए ममिनों चाहे मर्द हों या औरत तुम सारे के सारे अल्लाह ताला की जानब रजू करो अल्लाह जानिब पलटो और अल्लाह तौबा करो लअल्लकुम तफल ताकि तुम कामयाब हो जाओ ताकि तुम फलाह बहबूद पा जाओ ताकि तुम कामयाबी से हमकनार हो जाओ तो इस आयत करीमा में अल्लाह तौबा करने का बाबा तौर पर हुक्म अता हुक्म दिया है और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने बतलाया कि अगर कोई आदमी फलाह चाहता है कामयाबी चाहता है तो वो अल्लाह ताला से तौबा करे क्योंकि एक बंदा या बंदी जब वो अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ करता है गुनाह करता है मासियत और नाफ़रमानी करता है तो वो अल्लाह ताला से दूर भाग जाता है अल्लाह ताला को नाराज कर देता है अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर हलाल कर देता है लेकिन जब बंदे को एहसास होता है और वो शुरूत का के हिसाब से जो तौबा की शर्तें हैं उसके हिसाब से जब वो तौबा करता है तो अल्लाह की तरफ पलट आता है अल्लाह की तरफ लौट आता है फिर वो कामयाबी पाता है और वो अल्लाह का महबूब तरीन बंदा हो जाता है तो मेरे भाई अल्लाह ताला ने हमें और आपको तौबा करने का हुक्म दिया है और ये अल्लाह का करम है ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पर फौरन अजाब नहीं डालता फौरन पकड़ता नहीं है फौरन उस गुनाह की सज़ा नहीं देता बल्कि मौका देता है चांस देता है मोहलत और फुर्सत देता है अल्लाह की तरफ पलटने की तौबा के जरिए अपने गुनाहों को छोड़ने का और तौबा के ज़रिए अपने गुनाहों के आसार को धुलने और मिटाने का यह अल्लाह का करम है अल्लाह कुरान करीम के अंदर सूर्य तहरीम के आयत नंबर आठ के अंदर फरमाया सोरे तहरीम आयत नंबर आठ के अंदर फरमाया फरमायादी आनु तूबू तो तौबतन सुहा ए मुसलमान मर्दों औरतों ए मुसलमान और औरतों मोमिनो ए अपने आप को अहले ईमान में अहले इस्लाम में शुमार करने वाले लोगों मुसलमानों तुम सब अल्लाह ताला की जानिब तौबा करो कैसी तौबा तौबतन नसूहा है सच्ची तौबा सच्ची तौबा और सच्ची तौबा ही अल्लाह ताला के यहाँ यहा कबूलियत पाता है पाती है और कबूल होता है इस आयत करीमा में खुसूसी तौर तो पर अल्लाह ताला ने मोमिनों को तोबा करने का हुक्म दिया है ताकि अगर मोमिन के आमाल में कोई गुनाह हो कोई मासियत हो कोई नाफरमानी हो अल्लाह को कोई नाराज़ कर देने वाली चीज़ हो तो अल्लाह उसे धुल दे अल्लाह उसे मिटा दे और पहली फुरसत में अल्लाह ताला उसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे साथ ही साथ अल्लाह ताला ने साहित करीमा में हुक्म दिया सच्ची तोबा यानी आदमी को अपने गुनाह का एतराफ और एहसास और इक़रार हो उस गुनाह के करीब ना जाने का मुस्तकबिल में अजम पुख्ता इरादा करें उस गुनाह को जड़ से उखाड़ फेंक दे उसके करीब कभी ना जाए उस पर नदामत का इजहार करें शर्मिंदगी का इजहार करे शर्मिंदा हो और अगर कोई गुनाह बंदों के हक़ से मुताल है तो उस बंदे से अपना मामला लेन देन साफ कर ले या अपना माफी तलाफी कर ले ये तोहबत ने सूह है और बार बार करता रहे हमेशा करता रहे ये तोबा अल्लाह ताला ने सच्ची तोबा करने का हुक्म दिया है मेरे भाइयों साथियों हमारे रसूल ये तोबा की फजीलत है तोबा का हुक्म है हमारे रसूल अक्रम सम जो बख्शे बख्शाएँ हैं सैदलाउलिन वल आखरीन हैं साफ़ महसर हैं हमद का झंडा जिन्हें अता किया जाएगा जो जन्नत के अंदर सबसे पहले जाएंगे, बल्कि जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे हमारे सरदार नबियों के सरदार पहलों के सरदार बाद वालों के सरदार जिनकी शफ़ात के हम मतमी हैं जिनको शफात उज्मा बड़ी सिफात में असर होगी अल्लाह के रसूल की शान आपका मकाम आपके रुतबे का क्या कहना जबान गुंग हो जाएगी जबान थक जाएगी अल्फाज नहीं मिलेंगे जिसके ज़रिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मकाम और मर्तबा जो अल्लाह ताला की तरफ से नवाजा गया बयान किया जाए तो जा अल्फ़ नहीं मिलेंगे हमारे रसूल है अक्रम स जिनके नाम आमाल में कर कहीं भी हल मामूली से मामूली जर्रे के बराबर भी कहीं अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की मासीत नहीं है सही मुस्लिम की रिवायत पर हम और आप गौर करें कि हमारे रसूल अक्रम वसल्लम का तोबा के मामले में अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगने के मामले में अल्लाह ताली से इस्तफ़ार और मफ़रत तलब करने के मामले में क्या आपका रोल रो था और आपकी क्या आदत थी हजरत अगर बसारनी रग़ अल्लाह बयान करते हैं शाह मुस्लिम की रिवायत कि अल्लाह के रसूल आकर ने कहा या ए लोगो सारे लोगों को कहा ए लोगो, तूबु इल्लाह वो तुम लोग अल्लाह तौबा करो पश्चाताप करो तौबा करो वस्तंग हो और उसी से बख्शिश मांगो मफ़रत मांगो मुआफ़ी मांगो और उसी से तुम इसतफार करो ये अल्लाह ताला का लोगो सारे लोगों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया चाहे वो बुजुर्ग से बज़ुर्ग लोग हों शरीफ़ से शरीफ लोग हों बड़े आलिम मुफ्ती और मकरर हों मुअल्लिफ और मुसन्निफ हों या आम इंसान हो मालदार हो या गरीब हो हमेशा तहज्जुद पढ़ने वाला हो हमेशा नमाज की पाबंदी करने वाला कोई भी हो सबको अल्लाह कहा या अन्नास लोगो अल्लाह ताला से तौबा करो और उससे मुआफ़ी मांगो बख्शिश तलब करो इस्तिग़फ़ार करो پھر کہتے ہیں فإني أتوب في اليوم مئة مرة سبحان الله، صلى الله عليه وآله وسلم. كوكي ما يقينا ما دين ما سوّم توبة كرتا الله كرسول، أبني باري ما فرماته، توبة كرو، الله تعالى سأستغفار كرو، في مانجو. ماي روزانا دين باره مي استغفار کرتا ہوں यानी मैं ज्यादा से ज्यादा इस्तफार करता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से तुआफी मांगता हूँ, मैं अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ, गिड़गिड़ा कर रो कर दिल की हाजिरी के साथ जबान भी हाजिर रहती है दिल भी हाजिर रहता है अल्लाह ताला से तोबा के कबूल करने की उम्मीद भी रहती है मैं दिन भर में सौ मरतबा यानी सौ से ज्यादा मरतबा मैं इस्तार और तोहबा करता हूँ में से कौन है जो ये कह सकता है कि हमारे पास गुनाह नहीं हमारे पास लफ्जसे नहीं मुझसे गुनाह के काम नहीं हुए कोई नहीं एक बशर एक इंसान वो गुनाह बेगुनाह होने का दावा करे ये उसका गुरूर है उसका घमंड जिससे उसकी नेकियां और बर्बाद हो जाएंगी जब हमारे रसूल वसल्लम का ये हाल रहा तो हमें और आपको क्या करना चाहिए तोबा करो अनस बिन मालिक रू अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अक्रम ने फरमाया तोबा के फजीलत या अल्लाह का करम देखो या अल्लाह का एहसान देखो ये अल्लाह ताला का अपने बंदों के साथ लुत्फ, नरमी और महब्बत का मामला देखो सुबहान अल्लाहमदी सुबहान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यकीनन अल्लाह ताला ताला बंदे के तोबा से बहुत ज़्यादा खुश होता है उस आदमी से भी ज़्यादा खुश होता है जिस आदमी का सामान उसके ऊँट पर लदा हुआ गिर गया और वो रास्ता भटक गया चटियल मैदान में है शनसान एरिए में है साजो सामान से ऊँट लदा हुआ था और वो उससे वो ऊँट पर लदा हुआ सारा कीमती सामान चटियल बे, बे आबो गया मैदान में गिर गया अब अगर वो दोबारा उस सामान को पा जाए तो वो कितना खुश होगा इससे ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों के तौबा से खुश होता है तौबा बड़ी अहम इबादत है अल्लाह से करीब कर देने वाली इबादत है अल्लाह ताला का महबूब बंदा बना देने वाली इबादत है गुनाहों के मिटाने का गुनाहों से निजात पाने का एक बेहतरीन और मजबूत जरिया है मेरे भाइयों साथियों आइए एक सही रिवायत हम और आप इकतसार के साथ सुने तब हम समझ पाएंगे कि तौबा के अंदर कितना फायदा है और ये मौका है दुनिया ही के अंदर और ये भी जान लीजिए कि नहीं कि दस साल के बाद बीस साल के बाद मौत कब आ जाए किसी को पता नहीं एक रिवायत हंसते अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तरवी जरा सुनिए मुख्तसर तौर पर अल्लाह के रसूल अक्रम सबने फरमाया कि तुम लोगों से पहले एक आदमी था जिसने नन्ानवे नाइन्टी नाइन लोगों को क़त्ल किया था उसे एक दिन एहसास हुआ अपने गुनाह का अपनी माशियत का कि मैंने निन्नानवे आदमियों को क़त्ल किया है क्या इससे इसकी सज़ा से निजात पाने की कोई राह है कोई ज़रिया है चुनाचे उसने इनसे उनसे पूछा कि इस वक्त इस ज़मीन में अल्लाह की ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है बहुत बड़ा सबसे बड़ा आलिम कौन है चुनाचे लोगों ने उसे बताया एक पादरी के बारे में जो बनी इसराइल के पादरियों में से एक पादरी था वो बेचारा जिसने नन्यानबे आदमी को क़त्ल किया था इसका हल तलाशने के लिए लोगों की रहनुमाई के मुताबिक उस ज़माने के बड़े राहिब के पास आया और उसने कहा जनाब मामला ये है कि मैंने नन्यानबे लोगों को क़त्ल किया क्या मेरे लिए कोई तोहबा है क्या सवाल था मैंने नयानबे लोगों को कत्ल कर दिया है क्या इस गुनाह से निजात पाने के लिए आज़ाद होने के लिए कोई रास्ता है कोई तोहबा है उसने कहा नहीं उस पादरी ने कहा कि नहीं तो उसने क्या किया उस पादरी को भी कत्ल करके सौ की तादाद पूरी कर दी कहा जाए बे को कत्ल किया था और ये कह रहा कोई तोबा का रास्ता है ही नहीं तो चलो इसको भी पूरा करके संचनी मार दे उसको भी कत्ल कर दिया यहां एक मसला है किसी को फतवा देने में बहुत ही तहकी छानबीन का राज मशरक बतलाना चाहिए यह नहीं कि फला ये कहता फला ये कहता फला ये कहता क्योंकि गलत गाइड से बहुत बड़ा नुकसान हो गलत फतवे से बहुत बड़ा नुकसान होता है ये दूसरा मसला फिर उसने तो आप तो सौ पूरा कर दिया हूँ लोगों से पूछताछ किया क्या ज़मीन पर कोई बहुत बड़ा आलिम है ज़रा मुझे बतलाइए ताकि मैं जाऊँ अपनी परेशानियों का, का समाधान अपने संकटों का समाधान अपने मुश्किल का हल उससे तलाश करूँ पूछूँ चुनाचे लोगों ने उसको उस जमाने के एक बहुत बड़े आलिम की रहनुमाई की तो उसने कहा उस आलिम के पास हो गया उस जमाने के उसने कहा देखो भाई मैंने सौ लोगों का हत्या किया है सौ लोगों का कत्ल किया है क्या मेरे लिए तौबा है है कोई तौबा का दरवाजा तो उस बड़े उस जमाने के उस बड़े आलिम ने कहा हाँ सौ आदमियों को तूने कत्ल किया कोई बात नहीं तुम तोबा कर सकते हो कौन है जो तेरे दरमियान और तेरे अल्लाह के दरमियान और तेरे तोबा के दरमियान रोड़ा बने कौन है जो तुम्हारे दरम्यान तुम्हारी तोबा और तुम्हारे अल्लाह के दरम्यान रुकावट बने बैरियर बने रोड़ा बने ये उसने कहा तोबा है यहां यही देखना कि मेरे भाई हो गुनाहों का एहसास हो शर्मिंदगी हो लेकिन गुनाहों का एहसास हमारे जहनों दिमाग पर इसलिए इस, इस तरह रच बस ना जाए कि हम मायूस हो जाए निराश हो जाए कि अब मेरे लिए तौबा का कोई दरवाजा नहीं अब तो जहन्नम का लुकमा ही बना बनेगा नहीं मायूसी नहीं तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है रब कायनात की जानिब से चुनाचे उस आलिम ने कहा कि भाई इस ज़मीन इस मुल्क में चले जाओ क्योंकि उस मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला ही की इबादत करते हैं चुनाचे जाओ उस मुल्क में उस ज़मीन में और उनके साथ अल्लाह ताला ही की इबादत करो और अपनी ज़मीन के अपनी सरज़मीन के पास जानब दोबारा लौट करके ना आना क्योंकि वो सरज़मीन बुरे लोगों की सरजमीन यहाँ दो मसला सब एक तो तौबा करो तोबा करने के बाद अपने नेकियों के रफ्तार को बढ़ा दो ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों के साथ रहो जहां अल्लाह ताला के इबादत गुजार बंदे हैं, ताकि उनके साथ रह करके अच्छे माहौल और वातावरण में आप इबादत गुजार बन सको चुनाचे वो आदमी उस सरजमीन की जानब चलने का रुख किया जहाँ लोग इबादत गुजार थे अल्लाह वाले थे अल्लाह ताला से डरने वाले थे आधा रास्ता अभी तय किया था मान लिया सौ किलोमीटर था अभी पचास ही तय किया था कि अचानक वफात हो गई उसको मौत आ गई अब जब मौत आई तोबा की फजीलत तोबा का अजर तोबा का मकाम अल्लाह ताला क्या तोबा की हैसियत को अब आगे समझिए तोबा की फजीलत जब उसकी मौत आई तो दोनों किस्म के फरिश्ते आए रहमत वाले फरिश्ते भी आए और अजाब वाले फरिश्ते भी आए और रहमत वाले फरिश्ते ने कहा कि देखो भाई ये आदमी तौबा करके अपने दिल से अल्लाह ताला की जानब मुतवज्जे होके अल्लाह की जानब पलता है ये इसने तौबा कर लिया है और अल्लाह ताला की जानिब वो अपने दिल से दिल की सच्चाई से वो पलटा है और फरिश्ते क्या कह रहे थे अजाब वाले फरिश्ते कि भाई ये तो इतना दुश्मनुष्ठ है इतना खतरनाक और खराब आदमी है कि इसने कभी कोई नेके की ही नहीं है दोनों लड़ने लगे अजाब वाला फरिश्ता अजाब के लिए देने के लिए तैयार और रहमत वाला फरिश्ता बख्शिश मफफरत अल्लाह तजाजत से ये खुशखबरी लेकर के लिए तैयार दोनों लड़ रहे हैं रहमत वाले फरिश्ते मलाइ और रहमा और मलायक अदाब दोनों आपस में चिमे गए गए आदाब वाले कह रहे नहीं ये इसने तो कोई गुनाह नहीं किया है और रहमत वाले कह रहे नहीं इसने तौबा क्या लिया है दिल से सच्ची कर ठीक है इसने कोई निकी न किया ठीक है इसने सौ आदमियों को कतल इससे तौबा किया इतने में अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ता आदमी की शक्ल सूरत में एक फरिश्ता उतरा और उस फरिश्ते ने दोनों के दरमियान फैसला किया अजाब अजाब के फरिश्ते और रहमत के फरिश्ते के दरमियान कहा भाई देखो ये ज़मीन नापो जो फसाद शर फसाद की ज़मीन जिसे छोड़ कर वो ऐसी ज़मीन की जानब जा रहा था जहाँ अच्छे लोग इबादत गुजार लोग हैं ज़रा नापो कि वो अभी बुरी ज़मीन ही से ज़्यादा करीब है या अच्छे लोगों के जमीन से ज़्यादा करीब है मैं आपकी ज़बान में समझा रहा चुनाचे वो ज़मीन नापी गई तो पता चला कि वो उस जमीन से ज़्यादा करीब हो गया जिस जमीन में अच्छे लोग नेक लोग अल्लाह के इबादत गुजार बंदे रहते हैं और वो इस लगन और और चाहत के साथ जा रहा था कि जाकर के उनके साथ रह करके मैं अल्लाह के इबादत करूं इस वजह से कि अचानक रहमत के फरिश्ते उसको मौत आ गई नापा चुनाचे एक सही रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दे दिया ज़मीन को दिया कि तुम इस जमीन से दूर हो जाओ और इस जमीन को कहा कि देखो बुराई वाली जमीन से दूर हो जाओ और जो नेक लोगों की जमीन उससे थोड़ा करीब कर दो चुनाचे अल्लाह ने उसके तौबा को कबूल कर लिया सो बात लिहाजा मेरे भाइयों साथियों तोबा करो सच्ची तोबा अपने गुनाहों से दस्तबरदारी के लिए तोबा बेहतरीन जरिया इन सारी बातों से पता चला कि अल्लाह ताला के यहाँ अफजल और महबूब तरीन अमलों में से एक अमल तोबा सच्ची तोबा है जिसमें हम और आप लापरवाही करते हैं और यही तोबा दुनिया में और आख़रत में फलाह का जरिया है कामयाबी का ज़रिया है अल्लाह ताला ने मोमिनों को तोबा करने का हुक्म दिया है और अपने कुशादा फजल से और अपने रहमो करम से तोबा करके तोबा करने पर उभारा है कि तुम अल्लाह के रहमत से मायूस ना हो अल्लाह के फजल से तुम मायूस ना हो अल्लाह के फजल को अल्लाह के कुशादा फ़जल को अल्लाह ताला के कुशादा रहमत को को हासिल करो तोबा के ज़रिए और यकीनन अल्लाह ताला बंदों के तोबा से, से खुश होता है हालांकि अल्लाह ताला बंदों और बंदों के आमाल से बेनियाज है अल्लाह बंदों के तौबा करने से खुश होता है जबकि अल्लाह बंदों से बंदों के सारे हरकत सकनात, उनके और इबादत से बेनियाज है अल्लाह बेनियाज है साथ ही साथ मेरे भाइयों, तौबा वो इबादत है कि अल्लाह उसे कबूल करके सारे गुनाहों को डिलीट कर देता है भसम कर देता है जला देता है शर्त यह है कि तौबा की शर्तें हमारी तोबा के अंदर पाई जाए मेरे भाइयों साथियों हर वक्त हर हाल में हर वक्त रोज़ाना हर हाल में अल्लाह ताला से तौबा करना गलमाए के ने फरमाया कि वाजिब है और तोबा की फजीलत अल्लाह ताला से सच्ची तोबा की फजीलत यह है कि वो कामयाबी का की राह है और इसके ज़रिए अल्लाह तुश होता है और बड़े से बड़े गुनाह ज्यादा से ज्यादा गुनाह करने वाले के लिए का की तौबा भी सही होगी कबूल होगी सौ आदमी के कातिल की तौबा कबूल हुई अल्लाह ताला की रहमत दे पाया है उसके रहमत को कोई नाप नहीं सकता उसके रहमत और उसकी मेहरबानी उसके फजल को कोई तोल नहीं सकता कोई अंदाजा नहीं लगा सकता अल्लाह ताला तौबा करने वालों की, की तौबा को कबूल फरमाता चाहे जितना बड़ा गुनाह हो लिहाजा मेरे भाइयों साथियों हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह ताला से हर वक्त हर हाम में तोबा करें इस्तार करें मआफ़ी मांगें अलामी अल-अफ्व व आफ़िया फिर दुनिया वाल आखरा अल्ला मकफिल् दिनों बना व अन्ना सैयातना व तोफ़ना माल अबरार व सल्सम अला नबीना मोहम्मद व आला आल व साहब अजमैन व आखरों दवाना अनिलहमदल रबीन